हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया। गाइस, आप लोगों को बहुत दिनों से मैं दो डाइजेस में स्टैंड कैंडल बना के दिखा रहा हूँ, तो दो कैंडल देखते देखते तो आप लोग थक गए होंगे, तो इसलिए मैं और एक नया डाइस मंगाया। वो डाइस आज ही आया है, तो वो डाइस में आज आप लोगों को मोमबत्ती बना के दिखाएंगे और साथ में डाइस भी दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, पहले डाइस को देख लेते हैं। पहली जो हमारे यहाँ दो डाइस था, वो एक में दो एक साथ दो मोमबत्ती बनते थे और एक में एक पीस। तो अभी और एक डाइस लाया हूँ, वो डाइस में एक ही मोमबत्ती बनेगा और वो मोमबत्ती का डाइस आप लोगों को अभी दिखाते हैं। तो चलिए इधर दिखाइए, ये है नया मोमबत्ती का डाइस, देखिए ये। तो गाइस, पहले जो मेरे पास दो था वो लोहे का था, ये एलुमिनियम का है और इसका वजन भी बहुत कम है और ये 100 ग्राम का है। ये जो डाइस मैं लिया हूँ, इसमें 100 ग्राम का मोमबत्ती बनता है। तो डाइस को आप लोगों को खोल के दिखाते हैं। तो इधर आइए गाइस, आप लोगों को दिखा देते हैं डाइस को खोल के। और इसका चाबी भी पहली जो मोमबत्ती बनाते थे इस तरह नहीं है, इसका चाबी भी थोड़ा सा अलग है और मशीन भी थोड़ा सा अलग है। देखिए इसका चाबी बहुत बड़ा है, देखिए दो ही चाबी होता है, लेकिन इसका चाबी मैं भी कभी नहीं देखा, ये पहली बार देख रहा हूँ ये। और इधर देखिए, ये डाइस दो पार्ट का हो गया, ये एलुमिनियम का है और ये ओरिजिनल एलुमिनियम का है। ये आप अच्छा मोमबत्ती बनेगा मेरे हिसाब से, तो इसलिए तो ये डाइस लाया हूँ। तो देखिए ये डाइस, और इस डाइस में एक पकड़ने की हैंडल भी है, वो कंपनी ने दिया है, इसको इस तरह से पकड़ सकते हैं। बहुत सुंदर भी है देखने में और हल्का भी है, तो बहुत सुंदर है। तो इस डाइस को अभी एक मोमबत्ती आप लोगों को बना के दिखाएंगे और इसमें जो मोमबत्ती बनेगा ये 100 ग्राम होगा वजन। और इधर आप लोग देख रहे हैं कि प्लेन नहीं है, ये रिंग आपको देखने के लिए मिलेगा और ये डिज़ाइन भी होगा इस डाइस में, जब मोमबत्ती बनाएंगे तो एक सुंदर सा डिज़ाइन भी होगा। तो चलिए मोमबत्ती बनाते हैं और बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ धागा लगाना है और पीछे धागा लगाने का एक लॉक है, इस लॉक में धागा को फंसाएंगे, तो फिर यहाँ से घुमा के इधर धागा को लाएंगे और यहाँ बांधेंगे, तो धागा लगाने का काम हो जाएगा। और इधर एक नाला जैसा आप देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा पैराफिन वैक्स लगाना होगा। अगर पैराफिन वैक्स नहीं लगाते हैं तो यहाँ से गला हुआ जो पैराफिन वैक्स है वो गिर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ मोमबत्ती लगा दिया, तो अभी धागा लगाते हैं। देखिए धागा इस तरह से लगाते हैं, देखिए आप लोग देखिए, ऐसे करके यहाँ फंसाना है, फिर ये धागा को ऐसे लाना है और यहाँ एक धागा आप नीचे कर दीजिए और एक धागा ऊपर कर दीजिए, तो हो गया धागा लगाना। अभी डाइस की एक पार्ट को खड़ा करना है, तो यहाँ खड़ा कर दिया और देखिए इस तरह से इसको बांधना है। देखिए बांध दिया, और आज तो चाक कैंची भूल के आ गया, तो ब्लेड से काट देते हैं, होगा तो ब्लेड से काट दिया, हो गया धागा लगाना। और इधर देखिए, ये निचली हिस्सा है मोमबत्ती का जो डाइस है वो दो पार्ट का है, आप तो देख ही रहे हैं, तो ये निचली हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा को इस तरह से लगा देते हैं और चाबी जो है इसको घुमा के थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से घुमाना है और हाँ, ये टाइट हो गया। अभी नीचे का जो है चाबी उसको भी टाइट करना है, हाँ हो गया, मशीन टाइट करना हो गया, धागा लगाना हो गया। अभी इसे पकड़िए, आप इसे पकड़ के डाइस को इस तरह से खड़ा कर दीजिए, देखिए हो गया, खड़ा हो गया डाइस, हाँ आप देख सकते हैं। अभी पैराफिन वैक्स गला के
और कलर मिक्स करके उसके साथ डाइज में डालना है। आसान सा काम है, हो जाएगा जल्दी ही। तो चलिए अभी पैराफिन वैक्स को गर्म करते हैं। ये स्टोव में आप लोगों को बना के दिखा देते हैं। तो स्टोव को जला देते हैं। हाँ, स्टोव तो जला दिया। हाँ, इधर देख सकते हैं स्टोव जल गया। और कलर भी देना नहीं पड़ेगा, इसमें कलर तो है, पहले बनाया था, ये टूट गया, तो इसको ही गला के आप लोगों को बना के दिखा देते हैं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि पैराफिन वैक्स कभी खराब नहीं होता है, आप जो चाहे आप बना सकते हैं। तो ये डाल दिया, अभी ये थोड़ा 5 मिनट टाइम लगेगा, ये गल जाएगा, तो आप लोगों को बना के दिखा देंगे। तो 5 मिनट तो इंतजार करना ही होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये पैराफिन वैक्स गल के पूरा गल गया और एकदम पानी जैसा हो गया। ये तो आपने देखा ही था, ये पुराना कैंडल था, टूट गया था। तो इस कैंडल से ही बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और कैंडल में जो धागा था उसको निकाल देते हैं, नहीं तो ये डाइस में चला जाएगा और अच्छा नहीं होगा। तो पूरा गल गया, अभी ले लेते हैं पैराफिन वैक्स एक ग्लास में। तो देखिए ये ग्लास में ले लिया पैराफिन वैक्स, और इसमें कलर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कलर पहले से दिया हुआ है, देख सकते हैं पूरा ले लिया। अभी कैंडल का जो डाइस है, मैं नया डाइस लाया था, आप लोगों को डाइस दिखाया, उस डाइस में डालना है, और डाल देंगे तो हो जाएगा कैंडल बनाने का पूरा प्रक्रिया। डाइस में पैराफिन वैक्स ऐसे डाला जाता है, डाल दिया पैराफिन वैक्स, हो गया। बहुत गर्म है ये, और थोड़ा दूंगा, देखिए हाँ हो गया, और नहीं चाहिए। अभी धीरे धीरे करके ये डाइस को एक बाकेट में डाल देंगे कि जल्दी से ये जम जाएगा और खुल के आप लोगों को दिखा सकते हैं जल्दी, और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हूँ। तो चलिए इसको अभी डाइस को बाकेट में पहले से ही ठंडा पानी हम लोगों ने रेडी करके रख दिया था। हाँ, इसे उठाना है और धीरे धीरे बकेट में डालना है। ये ठंडा पानी पहले से ही हम लोग तैयार करके रखा बकेट में, और धीरे धीरे बकेट में डालना है और जल्दी जम जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये मोमबत्ती पूरा जम गया, अभी बकेट से निकालना है और निकाल के आप लोगों को खोल के दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। हाँ, बकेट से निकाल दिया, अभी चाबी को खोलना है। हाँ, इसे करके चाबी खुला जाता है, और धीरे धीरे हाँ खोल दिया चाबी को। अभी ऐसे पकड़ना है डाइस को, ऐसे पकड़ना है। हाँ देखिए, ये हो गया, खोल के आप लोगों को दिखा दिया। तो देखिए गाइस, ये पूरा एकदम ओरिजिनल पिंक कलर बन गया। आप लोग सोच रहे थे कि ये पैराफिन वैक्स टूटा फूटा टुकड़ा है, इससे बनेगा क्या? तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पैराफिन वैक्स खराब नहीं होता है। अभी निचले हिस्सा की धागा को काट दिया, अभी खोल के दिखाना है आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से खोला जाता है, और खोल दिया मैं, देखिए बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर। तो गाइस आप लोग बोलिएगा कमेंट में, ये जो मोमबत्ती बना के आप लोगों को दिखाया कैसा लगा आप लोगों को? और मेरे जिस भाई फ्रेंड दोस्त ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जल्द से जल्द मुझे सब्सक्राइब करके 100K तक पहुंचा देना। तो आप सबको लेके 100K सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं अगले वीडियो में।